देखिए मैं पानी में आ गया, ये पानी है। बट एक सावधानी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पानी में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि तो एक जानकारी दीजिए, ये जो रोड है जी, इस रोड पे वहाँ तक कार चला जाता है। हेलो व्यूअर्स, जय हिंद दोस्त। सिटी लाइफ से आप अगर बोर हो जाता है, थकान महसूस करते हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ ऐसे जगह जाने के लिए कोशिश करते हैं जहाँ जाके कुछ सुकून मिले, कुछ पल आप निराला बिल्कुल एकांत में आप समय बिता सके। तो दोस्त, आज आपको ऐसे ही एक जगह लेके चलूँगा जहाँ जाने के लिए एक बार आप ज़रूर सोचेंगे वीकेंड में, खास करके दिल्ली में जो रहते हैं और इसका आसपास में जो एरिया गुड़गांव साइड में जो रहते हैं वो लोग, आप अगर नेट में सर्च करेंगे पाताल पानी का नाम से जाना जाएगा उस जगह को। बट दोस्त, इस जगह को पाताल पानी अगर किसी को पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा, इसको बताया जाएगा सिरोही का खान। मतलब अभी ये जो देखिए रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड सामने जा रहा है, ये मेरा राइट साइड में, यहाँ सोहना है इस साइड में, और लेफ्ट साइड में है बल्लभगढ़। अब इस जगह पहुँचने के लिए आपको बल्लभगढ़ से भी आ सकता है, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर अप टू दिस प्लेस। इस जगह का नाम है सिरोही, सिरोही बताना पड़ेगा आपको, पानी कोट बताने से कोई नहीं बता पाएगा। ये जो भाई साहब मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, इस रोड से अभी हमें जाना है, और ऊपर देखिए वहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा पहाड़। इस जगह पे जाएंगे, यहाँ से अनदर 3 किलोमीटर करीब है, तो चलेंगे, अभी चल के दिखाएंगे। ये एक बेहतरीन जगह है कैंपिंग के लिए और आपको पिकनिक के लिए, ये जगह परफेक्ट है। तो चलिए चलते हैं वहाँ जा करके खान में पहुँचते। अब रोड का कंडीशन भी मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगा, ये रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो दोस्त, अभी देखिए ये सिरोही गांव में आया हूँ इस समय, जस्ट यहाँ से 200 मीटर मैं अंदर आया हूँ इस गांव के अंदर, और अनदर 1 किलोमीटर आगे जाना है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन जी, ये बताइए, ये सारे आप इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, ये सारे गांव वाले हैं ना, तो ये एक जानकारी दीजिए, ये जो रोड है जी, इस रोड पे वहाँ तक कार चला जाता है? हाँ, जाता है, कार जाता है। कार जाता है, जाता है। तो यहाँ पे जनता कब आता है ज्यादा? जनता संडे के दिन भी आता है, हर दिन चलती रहती पब्लिक यहाँ हर दिन। और यहाँ पे आसपास में क्या सुविधा है, यहाँ पे होटल वगैरह कुछ है क्या? अंदर होटल नहीं है, खाली पानी का झील है, पानी का झील है। घूमने तो यहाँ अगर कोई आके रहना चाहते है तो कहाँ रुक सकते हैं? या गाँव में ऐसा गाँव अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, गाँव में रुकने के लिए कुछ है साधन? हाँ, है हाँ, अंदर है, होम स्टे अगर है? नहीं, वो हॉस्पिटल वो है क्या, होटल, होटल वगैरह कहाँ पे है? होटल ये स्टैंड पे है, सिरोही के अड्डे के पास। अच्छा, सिरोही अड्डे के पेट्रोल पंप के सामने है। ओके ओके, तो पेट्रोल पंप से रुक के यहाँ पे आ सकते हैं। जी हाँ जी, अदरवाइज यहाँ पे कोई आगे कुछ नहीं है। और कुछ बताना चाहते हो आप? बताना क्या है जी, झील में आते हैं लोग बाग घूमने के लिए। अच्छा, और कौन सा महीना में जब पानी बरसात होता है उस समय सही रहता है? उस टाइम ही अच्छा है, अभी ये मौसम अच्छा आ रहा है। अच्छा मौसम है ये, इस समय अच्छा मौसम है। ओके, तो सही समय पे मैं आया हूँ। बिल्कुल एकदम राइट, बिल्कुल संडे के दिन, संडे का दिन, ओ भी संडे, हाँ, ये लगे संडे ही है। हाँ। तो दोस्त अभी चलते आगे जाके बताते हाँ, हैं आपको रोड दिखाते हैं। जैसे ये रोड दिखाया मैंने आपको, इसी रोड से आपको जाना है, कार पहुंच जाता है ऊपर तक। हाँ, मैं आपको पूरा रोड दिखा दूंगा आगे चलते चलते, और इस गांव का तो मैं दिखाई दिया आपको, एरियल व्यू भी दिखा दिया इस गांव का, और ये सारे गांव का भाई लोग है सब बच्चे। तो चलो भाई लोग, धन्यवाद आप सबको, और खुश रहे, थैंक यू। तो दोस्त देखिए, ये कांटे वाला रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के चलिए, दोनों साइड में देखिए बाबुल का पेड़ है, और बाबुल का पेड़ का कांटे कहाँ पे है, किस जगह पे है कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोटा छोटा जो है ना टानी, सूखा टानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बी केयरफुल, कभी पंचर ना हो जाए, और यहाँ पे पंचर हो जाएगा आपको थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगा। देखिए ये कार भी गया था ऊपर, ये कहाँ लेफ्ट साइड से जाना है, सीधा चलना है, ये सीधा भाई, ये राइट साइड में नहीं जाना है, सीधा चलना है। तो ये अच्छा हुआ, क्या नाम बताया भाई आपका? साहिल, मेरा साथ में जा रहा है, तो थोड़ा मेरे लिए सुविधा हो गया है, सो ही विल गाइड मी अप टू द झील, और वहाँ पे जो भी एरिया है हमें पूरा जानकारी देंगे, तो दैट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू ऑल्सो।
ये बिल्कुल हमने हिल एरिया में पहुंच गए हैं। लेफ्ट साइड में बाएं तरफ देखिए पहाड़ है, बड़े बड़े पत्थर का चट्टान है और यहाँ पे खान भी है। इसको खान इसलिए कहा जाता है, यहाँ का पत्थर ले जाके दूर दराज पे बेचते हैं। यहाँ पे ये जो पत्थर है यहाँ का बिजनेस भी चलता है। बिजनेस चलता है यहाँ का पत्थर? ओके, पहले चलता था यहाँ का पत्थर बिकता था, लेकिन आजकल बंद कर दिया गया है। अभी बंद कर दिया गया। देखिए बहुत ही सुंदर जगह है ये। थोड़ा सा रोड दिखाइए, रोड का कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। आपका कार का कंडीशन सही होना चाहिए यहाँ पहुँचने के लिए। कार चली तो जाते हैं बट टायर अगर आपको सही होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नकेले पत्थर अगर है यहाँ पे। देखिए ये रोड ज़रा दिखाइए हमें, रोड दिख रहा है? हाँ, तो जनता को पता चले यहाँ का रोड कैसा है। ओ भाई देखो, हाय हाय हाय, देखिए अभी पहाड़ी इलाका में पहुँच गया हूँ। ये वही झील में पहुँचने वाला ही हूँ क्या? ओके, यही है एरिया, आगे जाना है। तो देखिए दोस्त, अभी जस्ट हम पहुँचने वाला है ये। सो दोस्त देखिए, अभी हम पहुँच गए हैं सिरोही खांड, जिसको आप पानीकोट का नाम से जानते हैं, उस जगह पे पहुँच गया हूँ। अभी थोड़ा सा चारों तरफ का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पत्थर है, पत्थर दिखाई देगा और बीच में ये आपको झील है। एक्चुअली ये खान बनाया गया ना, ये पत्थर निकाल के लेके गया और उसका पानी यहाँ पे रुक गया, और ये पानी बिल्कुल क्लियर तो है बट ग्रीनिश कलर है थोड़ा सा। देखिए सुबह का 10:30 बज रहा है और काफ़ी तेज़ धूप है इस समय। यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरा साथ में जो भाई आया है वो ही है, बाकी यहाँ पे और कोई नहीं है। इनका कहना है यहाँ पे सुबह या शाम का टाइम में ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है, भीड़ रहता है, और संडे का दिन, बट आज संडे है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह जो आए थे सुबह निकल के चले गए। कैंपिंग के लिए ये जगह रिकमेंड तो मैं 100% नहीं करूँगा, क्योंकि इस जगह का आसपास में आपको कुछ नहीं मिलेगा और ज़्यादा इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं है इस एरिया में। तो आप चाहे तो आ सकता है, दिन में घूम के आप वापस चला जाइए, कैंपिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बट इस जगह कैंपिंग साइट से फेमस है। तो एक बार मैं आपको एरियल व्यू मैं दिखा देता हूँ इस एरिया का, लोकेशन का। साथ में है, आई थिंक दे आर फ्रॉम आउटसाइड। यस यस यस, बट दे लिव इन गुड़गांव। सो देखिए दोस्त, यहाँ का जो पानी है ना बिल्कुल ग्रीनिश है और ज़्यादा डीप नहीं है यहाँ का पानी। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-12 फीट होगा यहाँ पे सेंटर में अगर देखा जाए तो, बट बिल्कुल क्लियर पानी है यहाँ पे, कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सो दोस्त ये देखिए मैं पानी में आ गया, ये पानी है, बट एक सावधानी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पानी में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले जो रिकॉर्ड देखा है यहाँ पे थोड़ा सा आँखों का दिक्कत आ जाता है, कई बार लोगों का कई समस्या पैदा हो जाता है यहाँ पे नहाने के लिए। तो ये आपके लिए एक सावधानी है, यहाँ पे नहाना नहीं चाहिए, बट आपको दिखाने के लिए मैं पानी तक तो पहुँच गया, बट मैं बिल्कुल ही पानी आँख में और किसी चीज़ में मैं नहीं दूंगा। ये सावधानी बिल्कुल आप बरते, और यहाँ पे ज़्यादा डीप तो नहीं है, डूबने का आशा नहीं है, बट फिर भी मैं माना करूंगा, अब आगे मत जाइए। ओके, तो ये देखो एक भाई
दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों मिलके यहाँ पे इंस्टाग्राम का रील बना रहा है। क्या है इंस्टाग्राम, कौन सा इंस्टाग्राम, क्या है इंस्टाग्राम? सिंपल है, सिम आईडी नेम, आईडी सैंडी 22 का नाम से ये लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। और देखिए यहाँ पे, हाँ चंदू, ये चंदू है और ये मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल है। तो सारे मिलके अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम बना रहा है, तो बढ़िया है। अभी तो हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे, जगह तो अच्छा। बाइकर्स भी आया है, मैं आपको पहले ही दिखा दिया, बाइकर्स भी पहुँच गया है। ये देखो ये भाई साहब भी पानी में, मैं इनका साथ में ही आया हूँ। ये गाइड का, एज ए गाइड उस गांव से जहाँ गाइड वहाँ पे बात किए थे वहीं से आया है, सिरोही गाँव से, तो ये साथ में आया है। तो इनका कारण मेरे को काफ़ी सुविधा मिला है और मेरा सावधानी भी, इन्होंने कई सारे चीज़ के ऊपर, जैसे यहाँ पे हमारा कैमरा का और कई सारे चीज़ का ध्यान देने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो हो सके कुछ यहाँ पे बच्चे बच्चे लोग घूमते हैं, ऐसा तो कभी इंसिडेंट हुआ नहीं, बट वी केयरफुल। सो दोस्त, फाइनल कंक्लूजन यही है, यहाँ पे घूमने आना है तो संडे का दिन ही आइए, और छुट्टी वाला दिन दोपहर को अवॉइड करिए, सुबह टाइम एंड शाम का टाइम में इस जगह परफेक्ट है। अभी दो धूप है लेकिन हवा चल रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। तो दोपहर में भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट खाना पीना साथ में, पानी जरूर साथ में लाइए। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने का, पानी का कुछ भी बंदोबस्त यहाँ पे नहीं है। एवरीथिंग यू शुड कैरी अलोंग विद यू।